नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सामने एक बार बिल्कुल भी नहीं करें, मैं कम शब्दों में अपनी बात करके यहाँ से चला जाऊंगा। आज महानायक क्रांतिकारी कंसा बाबा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है, उसके लिए मैं यहाँ की जो भी टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी युवा साथियों से, सभी सामाजिक लोगों से निवेदन करता है कि अभी हमारे जहाँ पर बातें नहीं है, जहाँ पर भी हम अपने झंडे गाड़ेंगे वहां पर भी अपने बातें लगाएंगे। मुझे यहाँ पता चला है कि विवेकानंद बाबा इनके टीम द्वारा काफी वर्षों से यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है और यहाँ पर सामाजिक आंदोलन को एक ताकत मिली है। साथियों, मैंने यहाँ इस क्षेत्र के बारे में जितना जाना, मुझे पता चला कि यहाँ से, यहाँ पर बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो लोग हमारे लोगों को डराते थे, वो लोग हमारे लोगों को बसों की सीटों पर बैठते नहीं देते थे, लेकिन अब घुसने लग गए हैं, अब सीट छीनने लग गए हैं। ये सबसे बड़ी सामाजिक विचारधारा, समाज के लिए शुभ संकेत है, इस विचारधारा को बनाए रखिए। दूसरा, इस क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में आदिवासियों को जो अपमानित करते हैं उसको मैं कहना चाहता हूं कि आज का आदिवासी युवा पंचायत की राह पर चल पड़ा है, बिरसा की राह पर चल पड़ा है, ख्वाजा नायक भीमा नायक हमारे समाज के महापुरुषों के राह पर चल चुका, आप किसी से दबने वाला नहीं है। क्या आप लोग दबोगे क्या? इसलिए मेरे साथियों, मेरे खासकर युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने मन में, अपने दिमाग में समाज का जुनून जगाकर घर से निकलकर आ जाइए। समाज को आपकी जरूरत है और हमें समाज की जरूरत है। अगर समाज नहीं रहेगा हमारी भी कोई औकात नहीं, जिस दिन आदिवासी शब्द हट जाएगा हमारी कोई औकात नहीं। दूसरा, आज हमारे समाज में आदिवासी अधिकारी कर्मचारी भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी मैं इस मंच से सम्मान करता हूं। और जो अधिकारी कर्मचारी अभी भी घर में चुप कर बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सिटी में अगर मर जाओगे तो तुम्हारी लाश गांव में नहीं, घर में आने देंगे। व्यापारिक क्षेत्र में आप अपने कदम बढ़ाइए। और जो बाहर के जायसवाल वर्मा फरमाए, जो बाहर के लोग आए उनको धक्का मार के भगा दीजिए, हम काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में किसका राज रहता है? अभी यहां इधर हम पहली बार आए, एक जगह में इस गांव का नाम पूछा तो बोले भैया कहां जा रहे हैं? मैंने कहा घेरू घाटी जा रहे हैं। मैंने कहा वापसी में आए कोई दिक्कत तो नहीं? बोले आदिवासी रोकते हैं यार। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको इस बात का खबर होना चाहिए, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, आधी रात को किसी को रोकने की ताकत होती है वो हम में होती है। 2:30 बजे आए थे बोले गाड़ी बामड़ो उभरे थे जमीना महार तोसा। अपनी पहचान, अपनी ताकत आज का युवा भूल चुका है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाज का युवा आदमी मेरे को कुर्राटी मारने के लिए बोला गया है, बहुत सारे लोगों को कुर्राटी नहीं आती, कुर्राटी मारना चाहिए। एक दो मिनट, 5वीं-6वीं अनुसूची की बात बोल रहे थे कि यह बात बोलना, तो बिल्कुल बोलूंगा मैं। समाज का युवा अगर जाग गया, अपने अधिकारों को समझ गया, अपने आप को समझ गया कि मैं आदिवासी हूं, दूसरों की ताकत नहीं है, ये एनआरसी नरेंद्र मोदी लागू नहीं करेगा, एनआरसी आदिवासी लागू करेगा। हमारे क्षेत्र में कौन राज करेगा, ये आदिवासी तय करेगा। केंद्र में बैठे तो रंगावीला तय नहीं करेंगे, ये आदिवासी तय करेंगे। इसलिए मेरे युवा साथियों, मेरे समाज के लोगों, अभी भी अगर तुमको कोई नेता भैया अगर करे
डरने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के उस कोने के लोग भी आपके साथ खड़े हैं, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग भी आपके साथ खड़े हैं। अभी अलीराजपुर में एक वकील बहुत उछल रहा था, अपनी डिग्री का पावर दिखा रहा था। वहां पर कुछ ही आदिवासी इकट्ठा और एक तो सीट लगाकर आ गए, वो घर में घुस चुका है आज की तारीख में। वाले लोग नहीं है, हम सर पे कपन बांधकर घुसते हैं, मरना एक दिन निश्चित है। वोट का जरा भी डर नहीं है, और जिसको मौत का डर है वो घर से बाहर मत निकलना, और अगर आपको मरना है तो आप घर में ही मर जाओगे, वहां भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए दब दब के मत रहना, डर डर के मत रहना, सीना ठोक के कहना कि हाँ हम आदिवासी। आज हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे जो पांचवा अनुसूची, हमारी छठी अनुसूची, हमारे पैसे, हमारे युवाओं को पढ़ना होगा, हमारे युवाओं को समझना होगा, हमारे समाज को समझ गए, हमारे अधिकार को समझ गए, दुनिया की कोई ताकत हमारे तरफ आग तक नहीं उठा पाएगी। अगर आग भी उठा लिया, अगर आप समझ गए, इसकी आग तक निकाल ली जाएगी। अगर युवा साथी अगर समझ गए मेरे साथ, तो साथियों मैं यहां पर मेरे समाज के वरिष्ठ जनों को सुनने आया हूं, तो मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद मेरे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, क्योंकि साथियों आप सभी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आए हैं, ढोल भी बज रहे हैं, नाच भी रहे हैं, हमारी बहनें नाच भी रही है, हमारे और समाज के वरिष्ठ जन अपनी विचार भी रख रहे हैं। इस विचार को घर जाकर फूल मत जाना, इस विचार को फैलाना कि वहां गुला कौन क्या वामन गाता ना कि वहां हमारा समाज वारू वारू मानस आवला, कलेक्टर आवलो, विधायक आवलो, थोड़ा बड़ा मुटला मुटला लोग आवला कि वैसे शिवार बोतल्ला तो शिवार तो इना कार्यक्रम कोई मतलब नहीं। ये तो टेंटे लोग आ रहे, कैमरा वाला आ रहे, ढोल गाए रहे, कोई मतलब नहीं। जोर से जाजू अपना रिश्तेदार में पहुंचो, अपना परिवार में पहुंचो कि समाजन करता है अपने समाजन पुराइटा भी ने जुवानिया भी आए भेड़ा होने लगी। उसी बात कह दू कौशक ने कौश जार माता, हाँ ये अपने असली कौशम से भगवान कौशम ने श्री राम कौशम ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां पर एक गाना गाऊंगा, क्या मामा हमारे समाज का भगवान, जिनसे हमने प्रेरणा ली, जिनका देख अंग्रेजों के भी छक्के छूट जाते थे। मैं दो लाइन गाऊंगा, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। गरीब न कर रखवाए, नाम वत घंटे कहाई गए, नाम वत घंटे कहाई गए।